धम्मपद गाथा 2.8 या 28 नंबर। धम्मपद की जितनी भी गाथा हैं, जो गाथा हैं वो 423 हैं और नंबरों से चलती हैं, पूरी दुनिया में नंबर से जानी जाती हैं। वैसे गाथा जो चीन का धम्मपद है उसमें बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने धम्मपद का जो परिचय है, अगर आप उसमें वीडियो में देखेंगे तो मैंने सारा परिचय उसमें दिया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति है। एक बार उसको देख लें तो आपको धम्मपद गाथाओं के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ये जो गाथा है आज की, ये महाकश्यप जो भिक्खु हैं, थेर हैं, स्थिवर हैं, उनकी कथा है। वो राजगृह के पास में एक पिपली या पिफली बोलते हैं, कहीं कहीं ये पिफली है, कहीं कहीं ये पिपली है। पिपली एक गुहा है, गुहा का मतलब गुफा है। उसमें वो ध्यानस्थ हैं, ध्यान में हैं और वहाँ जाके विपसना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। वहाँ साधना करते करते वो जो लोग हैं, क्योंकि वो गुफा में हैं, तो वो देखते हैं कि लोग किस प्रकार से प्रमादी हैं और किस प्रकार से अप्रमादी हैं, जी रहे हैं और मर रहे हैं, जी रहे हैं और मर रहे हैं। एक कथा तो इसकी ये आती है, एक कथा ऐसी भी आती है कि जो महाकश्यप हैं वो विपसना में देखते देखते और अपने जो पुराने सॉफ्टवेयर हैं, यानी जो पुराने वर्जन हैं, यानी कि जो उनके, क्योंकि अभी जो महाकश्यप का वर्जन है वो लेटेस्ट है और उससे पहले जितने भी सॉफ्टवेयर के वर्जन हैं, यानी मन के जो स्थितियां हैं, ये जन्म जिनको बोल सकते हैं, वो सारे के सारे खोल रहे हैं और देख रहे हैं और वो उसको जिज्ञासावश समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा इससे जो पहला वाला सॉफ्टवेयर था या पहला वाला जो मन था या पहला वाला जो कोड थे मेरे या जिसको जन्म बोलते हैं वो कैसा था। चूँकि भगवान बुद्ध बहुत दूर से भी ये पता कर लेते हैं कि कहाँ क्या हलचल हो रही है और किसने क्या किया है, तो वो ध्यान में बैठे हुए महाकश्यप को ऐसा बताते हैं कि भई आप अपने जो पुराने जन्मों के सॉफ्टवेयर हैं या जो पुराने वर्जन हैं आपके सॉफ्टवेयर के, उनको ना खोलें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है और इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। बेसिकली ये जो बुद्ध हैं, जब वो खोलते हैं और देखते हैं, क्योंकि वो बुद्ध बनने वाले होते हैं, तो ये उनका काम है। एक कथा में ऐसा भी आता है, कई जो दर्शक हैं वो इस बात को सोच रहे होंगे कि क्या पुराने जन्मों का कोई फाइल खोली जा सकती है या कोई ऐसी बात भी हो सकती है। दरअसल जो मेमोरी है वो सारी की सारी वाइब्रेशंस में आती है और वो एटम में भी नहीं होती, एटम के सिर्फ वाइब्रेशन में होती है। ऐसे ही ट्रांसफ़र होती है जैसे आज की डेट में वाईफाई से सिग्नल ट्रांसफ़र होता है मोबाइल का या कंप्यूटर का, उस समय भी ऐसे ही होती थी। और जितना भी हम देखते हैं या सुनते हैं, जैसे अभी हमने अपने बच्चे का फ़ोटो देखा तो उस फोटो को देख के हम स्टोर कर लेते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि वो स्टोर कैसे हो गया, मगर वो स्टोर डिजिटल कोड में वाइब्रेशन के रूप में बॉडी में हो जाता है। जो लोग विपसना में गहरे चले जाते हैं, डीप चले जाते हैं, या पूरी जो विपसना है उसको नियम से करते हैं, वो अपने जो उनके बचपन से लेकर आज तक की मेमोरी है वो धीरे धीरे करके उसको पूरा खोल लेते हैं और उनको ये भी पता चल जाता है कि अब से 10 साल पहले उनकी मेमोरी कैसी थी, 20 साल पहले कैसी थी, 30 साल पहले कैसी थी, अगर वो 20-30-40 साल के हैं तो। कई बार जो मेमोरी के पिछले कार्ड भी हैं, यानी जो पिछली वाली जो फाइलें हैं, वो भी अनलॉक होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा शुद्ध है, परिशुद्ध है, अगर आप पंचशील का पालन करते हैं, अष्टशील का पालन करते हैं या सारे नियमों का पालन करते हैं, तो आपका जैसे जैसे मन शुद्ध होता जाएगा, आप शुद्ध व्यक्ति होते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपनी फाइल को अनलॉक कर सकते हैं विपसना के थ्रू। ठीक ऐसे जैसे कंप्यूटर की जो मेन फाइल हैं जिससे कंप्यूटर चलता है, जो उसकी सॉफ्टवेयर की फाइलें होती हैं, उनको आदमी खोल लेता है और अपने वायरस भी डिलीट कर सकता है। तो भगवान बुद्ध ने, सुगत ने, तथागत ने महाकश्यप को मना कर दिया कि आप ऐसा नादना देखें। और जो पहली कथा है उसके अनुसार वो लोगों का देख रहे हैं कि लोग कैसे जी रहे हैं और कैसे मर रहे हैं, जो प्रमादी हैं। प्रमादी का मतलब है जिनमें बहुत ज़्यादा रोग लगे पड़े हैं। रोग का मतलब है बीमारियां हैं, व्याधियां हैं। व्याधियों का मतलब है कि वो चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ज्वलिस करते हैं, यानी जितनी भी समाज के अंदर खराब बातें हैं वो सब उसको ग्रहण करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं।
और जो अप्रमादी लोग हैं वो लोग हैं जो पंचशील का पालन करते हैं, ना चोरी करते हैं, ना शराब पीते हैं, ना नशा करते हैं, ना व्यभिचार करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना किसी को मारते हैं, ना परेशान करते हैं, उन लोगों को अप्रमादी यानी अप्रमादी लोग बोला गया है। तो वो देखते हैं, तब भगवान बुद्ध जैतवन बिहार के अंदर ये गाथा कहते हैं और इस गाथा में वो बताते हैं कि कैसे एक आदमी जो अपने अप्रमाद से प्रमाद को दूर ढकेल देता है, भगा देता है और वो एक पहाड़ पे चढ़ जाता है तो नीचे वाले लोगों को देखता है किस तरह से उनका अवलोकन करता है। ये गाथा उस प्रकार है। गाथा इस तरह से है, पमादं अपमादेन यदा नुदति पंडितो पैया पासाद मारु अशोको शोकिनिंग पजं पवतट्ठो व भूमट्ठे धीरो बाले अविखति। पमादं अपमादेन मतलब प्रमाद को अप्रमाद से यदा नुदति पंडितो, यदा माने जब, नुदति माने निकालकर भगा देता है, पंडितो माने जानकार, यानी कि वो कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब कोई जानकार व्यक्ति अपने अप्रमाद से यानी अपनी मेहनत से अपनी सच्चाई से बुराई को निकाल के दूर भगा देता है, अपनी बुराइयों को जब कोई जानकार व्यक्ति सबको दूर कर देता है, पैया पासाद मारुए, पैया माने प्रज्ञा, पासाद माने होता है जो महल होता है उसको पासाद बोलते हैं, और आरुय माने चढ़कर, यानी कि अपने पैया रूपी महल पर चढ़कर, जो उसने प्रज्ञा जो सच्चाई की मेहनत से कमाया है उसके महल पर चढ़कर। अशोको शोकिनंग पजंग, अशोको माने जिसको शोक नहीं है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको शोक नहीं है, शोकिनिंग का मतलब है जो शोक वाले लोग हैं, सारी भीड़ हैं, पजंग माने भीड़ होता है, यानी कि वो जो अपने पैया के महल पे चढ़ के जो जिसमें जरा भी दुख नहीं है, शोक नहीं है, वो शोक वाले लोगों की भीड़ को देखता है। कैसे देखता है? पवतट्ठो व भूमट्ठे, पवतट्ठो का मतलब है पर्वत पे खड़ा हुआ व्यक्ति, वे माने जैसे, और भूमट्ठे माने होता है भूमि पर स्थित जो लोग हैं उनको। धीरो बाले अविखति, धीरो माने धैर्य वाला और बाले माने होता है अज्ञानी और मूर्ख, अविख्यति माने जैसे अवलोकन होता है यानी देखता है। तो वो पर्वत पे खड़े होके जो नीचे भूमि पे लोग हैं उन लोगों को, उन अज्ञानी लोगों को वहाँ से धैर्य के साथ में देखता है, यानी कि जो जानकार आदमी होता है, इसका मतलब ये है कि जो जानकार व्यक्ति होता है, जो ये देख लेता है कि दुख कैसे काम करता है, सुख कैसे काम करता है, और अपनी सारी बुराइयां निकाल कर अपना दुख दूर कर कर जीते जी और सुखी हो जाता है। जब वो सुखी हो जाता है, जब वो समझदार हो जाता है, जब उसे ये पता चल जाता है कि अरे गलत काम करने का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो तो बहुत बुरा है। जो आदमी शराब पी रहा है, देखो वो कैसे लोटपोट कर रहा है, कैसे चढ़ रहा है, कैसे नाली में पड़ा है, कैसे लोग उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, कैसे उसको गालियां बक रहे हैं, या जो चोर है उसकी घर में कैसे बेइज्जती हो रही है, समाज में कैसे बेइज्जती होती है, या जो व्यभिचारी है दुनिया भर के सारे गलत काम करता है, देश के प्रति, परिवार के प्रति, अपने प्रति, वो जो व्यभिचार है, व्यभिचारी आदमी की कैसे पूरी दुनिया में बेइज्जती होती है, खुद अपनी निगाह में भी उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, जो शराब पीता है, सुराब पीता है, या जो किसी की हत्या करता है, किसी के मन की हत्या करता है, वचन की हत्या करता है, कर्म की हत्या करता है, शरीर की हत्या करता है, या जो झूठ बोलता है, तो वो व्यक्ति कैसे परेशान होते हैं, जो छोड़ चुका व्यक्ति है वो आराम से उनको देखता है, ठीक ऐसे जैसे अपने महल पे खड़ा हो या पहाड़ पे खड़ा हो, नीचे खड़े हुए लोगों को वो देखता है, अवलोकन करता है। सीधा सा इसका अर्थ ये है कि अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं तो फिर आप झूठे व्यक्ति को देखिए आप किस तरह से देखते हैं, अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो उनको देखिए जैसे आप शराब ना पीने वाले लोगों को किस तरह से देखते हैं, अगर आप व्यभिचार नहीं करते हैं तो व्यभिचारियों को आप जैसे देखते हैं वैसा फील आपको आता है, अगर आप
किसी भी हालत में हत्या नहीं करते हैं किसी भी तरह की, ना मन की, ना कर्म की, ना वचन की, तो उनको देख देखिए जो इस तरह की हत्या करते हैं। तो ये झूठ और ये जो हत्या है, ये जो ये सारी बातें देखने का इसमें दिया हुआ है। धन्यवाद।